नमस्कार साथियों, मैं ज्योति किरण एक बार फिर आप सबों के सामने हाजिर हूँ अपने चैनल किरण सिविल सर्विसेज पे। और आज मैं आप लोगों को गाइड करना चाहूँगी एसटेट परीक्षा के बारे में। और एसटेट परीक्षा का जो कि डेट अनाउंस है 9 सितंबर को इसकी परीक्षा है। इसका एडमिट कार्ड भी लॉन्च कर दिया गया है और आप सब के पास अब काफ़ी कम टाइम है, तो अंतिम क्षण में क्या रणनीति अपनाएं इसके लिए मैं आपको गाइड करना चाहूँगी। मेरे तरफ से यह परामर्श है कि आप अंतिम क्षण में सुबह के 5 से 7 और शाम के 5 से 7, यानी ये 2 टाइम आपको सेट लगाना है। तो कुल मिला के 2 सेट आपको हो गए पर प्रतिदिन। और दोनों सेट का डिस्कशन एक एक क्वेश्चन करिए और उसके बाद उसका रिवीजन करिए। अब यहाँ पे आपको क्वेश्चन जो है उसको कैटेगराइज करना है थोड़ा, जैसे कि कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आप डायरेक्ट मतलब पहली बार में ही उसको बना लेंगे, ऐसा क्वेश्चन होगा कुछ। और बाकी क्वेश्चन कुछ ऐसा होगा जिसमें आप 50-50 में होंगे, मतलब 2 ऑप्शन होगा आपका, 2 ऑप्शन पे आके आप रुक रहे होंगे कि ये सही है या ये सही है। वह क्वेश्चन आपसे रिवीजन मांग रहा है, यानी वह पोर्शन आपसे रिवीजन मांग रहा है, तभी आप डायलिमा में आए हैं, ठीक है। तो उसको रिवीजन करिए। और मैथ और रीजनिंग के लिए कोई परेशान होने की बात नहीं है, मैथ और रीजनिंग का सेट में ही आप अच्छे से ये करें बनाते चलेंगे तो उसका वहीं पे पूरा ये होते चला जाएगा, रिवीजन होते चला जाएगा, उसको अलग से करने की कोई ज़रूरत नहीं। और लेकिन ये है कि अगर नहीं बनता है तो उसका आप पूरा देखिए डिटेल कि कैसे बनाया है, फॉर्मूला क्या लगाया है और उस तरह से बनाए। तो अंतिम क्षण में मार्क्स उठाने के लिए इससे बेहतर अब कोई उपाय नहीं है, क्योंकि अब जितने भी कंटेंट हमने पढ़ने थे वो पढ़ लिए और उसको फिर रिवीजन करिए। जैसे 3 दिन आप दे दीजिए, अभी से भी अगर नहीं किया है तो 3 दिन पेडागोगी के लिए दीजिए और 3 दिन में अपना सब्जेक्ट का करिए। तो 100 नंबर के सब्जेक्ट में मुझे लगता है अभी से भी आप 2 सेट रोज बनाना शुरू करेंगे तो आपकी स्थिति कम से कम 70 से 80 के बीच में जरूर आएगी, क्योंकि हमने पहले भी परीक्षा दिया है, हमने पहले भी तैयारी की है। अब जो लैग कर रहे हैं ऐसी गलती बिल्कुल मत करिएगा कि एग्ज़ाम में जा कर के सीधे क्वेश्चन पे ही हाथ साफ करें, ऐसा नहीं। घर में सेट लगाना ही लगाना है और 2 और हो सके तो 3 लगाइए, लेकिन 2 से कम बिल्कुल नहीं लगाइए। और आशा करूँगी कि यह जो परामर्श है आपको आगे की ओर फ़ायदा करे और आपके परीक्षा में आपके रिजल्ट लाने में आपकी मदद करे। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।